हे दोस्तों, विवेक गैजेट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल पाउच, और वन बाय वन देखेंगे पेंसिल पाउच कैसी है और इन पेंसिल पाउच में कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा। गाइज, तो चलो वन बाय वन इन पेंसिल पाउच को मैं दिखाता हूँ और आप कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा पेंसिल पाउच लगा। गाइज, और बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, जब ही आपको पता चलेगा गाइज कौन सा पेंसिल पाउच ज़्यादा बेटर है। गाइज, तो चलो सबसे पहले उठा लेते हैं मिक्की माउस पेंसिल पाउच और इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसे मैंने 100 रुपीज़ का परचेज़ किया है और ये मिक्की माउस थीम के ऊपर बेस है ये पेंसिल पाउच। तो इसका कलर ब्लू है गाइज, और फ्रंट में देख सकते हो मिक्की माउस की फ़ोटो छपी हुई है, साथ ही उसके दोस्तों की फ़ोटो छपी हुई है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एलिगेंट लुक आ रहा है गाइज इस पेंसिल पाउच का, गाइज मिक्की माउस प्रिंट होने की वजह से। गाइज, और इसमें मिलती है हमें 1 जिप, एक ही जिप मिलती है और कुछ नहीं है, सिंगल है। और बैक साइड में सिंपल सा एक लुक है जिसमें मिक्की माउस की फोटोज छपी हुई है गाइज, बहुत ही अमेजिंग। और लाइट वेट है इस पेंसिल पाउच का गाइज। चलो इसे ओपन करते हैं और दिखाता हूँ कैसे ये पेंसिल पाउच अंदर से। तो गाइज, ये पेंसिल पाउच ओपन कर लिया और कुछ इस तरीके से ये अंदर से देखने को मिलती है गाइज। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है अंदर एक, और इसके 2 नेट पॉकेट मिल जाते हैं गाइज। ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है और बैक नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और इसके अंदर हम काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारा हम स्टडी मटेरियल रख सकते हैं गाइज इस पाउच के अंदर। गाइज, तो काफ़ी बेटर है गाइज ये मिक्की माउस वाला पेंसिल पाउच। अगर आपको अच्छा लगा तो कर देना इस वीडियो को लाइक। अब उठाते हैं नेक्स्ट पेंसिल पाउच, ये है गाइज कौन पेंसिल पाउच। गाइज, ये भुट्टे के ऊपर बेस है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और ऐसा लग रहा है रियल का ये भुट्टा है गाइज, जिसे हम कॉर्न भी बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक है, काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है और काफ़ी प्यारा और अमेजिंग ये पेंसिल पाउच है। ये पूरा कपड़ा है गाइज और बहुत मुलायम कपड़ा है गाइज, बहुत प्लेन है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये पेंसिल पाउच। और इसमें एक जिप है बहुत ही छोटी सी। चलो इस जिप को ओपन करते हैं, अंदर से देखते हैं पेंसिल पाउच कैसी है गाइज। तो पेंसिल पाउच अंदर से बिल्कुल एक कपड़ा है, अंदर कुछ नहीं है और स्पेस काफ़ी कम है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट हमारे ज़्यादा स्टडी मटेरियल तो नहीं आएगा, बट थोड़ा ही आएगा, लेकिन जितना भी आएगा बहुत ही अच्छा आएगा गाइज। और जब हम इसे स्कूल में ले जाएंगे तो सारे दोस्त देख के हैरान हो जाएंगे गाइज इस पेंसिल पाउच को, क्योंकि ये पेंसिल पाउच लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये भुट्टा है गाइज। तो बहुत ही प्यारा ये पेंसिल पाउच है, और इस पेंसिल पाउच को मैंने खरीदा है 150 रुपीज़ का गाइज, तो बहुत ही अमेजिंग है। चलो इसे रख लेते हैं, नेक्स्ट उठाते हैं पेंसिल पाउच। तो ये है पेंसिल पाउच पी, एक मटर के ऊपर है पूरा ये पेंसिल पाउच, और ऐसा लग रहा है रियल का मटर है गाइज। देखो मटर, और मटर के दाने भी हैं गाइज, बैक साइड में भी बिल्कुल सेम अमेजिंग क्वालिटी है। बहुत ही प्यारा पेंसिल पाउच है, कपड़ा भी बहुत ही प्लेन है इसका। और इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो इसे भी मैंने खरीदा है गाइज 100 रुपीज़ का गाइज, बहुत ही प्यारा। चैन भी काफ़ी छोटी है और पतली सी चैन है। चलो ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। तो अंदर से बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है अंदर, डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, और स्पेस काफ़ी कम है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस हमारे कम से कम 10 से 12 पेंसिल हम रख सकते हैं इसके अंदर, और शायद इससे ज़्यादा भी रख लें। और बहुत ही अमेजिंग है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ये पेंसिल पाउच। और इसे जब हम स्कूल में लेके जाएंगे तो हमारे सारे दोस्त हो जाएंगे फिदा हमारे इस पेंसिल पाउच को देख के, और हमारे आसपास घूमने लगेंगे गाइज। बहुत ही प्यारा पेंसिल पाउच मिला है गाइज हमें। आते नेक्स्ट पेंसिल पाउच, ये गाइज यूनिकॉर्न पेंसिल पाउच, और ये पूरा यूनिकॉर्न थीम के ऊपर बेस है गाइज ये पेंसिल पाउच। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल है, और यूनिकॉर्न भी काफ़ी कलरफुल होता है गाइज। यूनिकॉर्न एक घोड़ा है गाइज, जैसा मैं आपको बता दूँ, फ्रंट में काफ़ी सारी लाइनें लिखी हैं, काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन है इस पेंसिल पाउच का, फुली फुल छपे हुए हैं। बैक साइड में भी लिखा हुआ है गाइज, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल गाइज, एक लाइन लिखी है बहुत ही प्यारी सी। और यहाँ देखो बैक साइड में, और नीचे काफ़ी सारे फूल की फ़ोटो छपी हुई हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मिलती हैं 2 जिप, और 2 जिप के डिज़ाइन हमें मिलते हैं गाइज यहाँ पे दिल वाले गाइज, दोनों बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया जिप है। और जिप की थिकनेस देखो गाइज, मोटाई देखो कितनी अमेजिंग है, कितनी बड़ी चैन है गाइज। और इसके प्राइस की बात कर लें, तो इससे मैंने ख़रीदा है 400 रुपीज़ का इस पेंसिल पाउच को गाइज। चलो ओपन करते हैं और दिखाता हूँ कैसा अंदर से ये पेंसिल पाउच गाइज। तो इसे ओपन कर लिया, तो यहाँ मिलते हैं हमें 2-3 कंपार्टमेंट मिलते हैं, 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं, जैसा भी आप देख सकते हो। ये नीचे एक कंपार्टमेंट मिलता है, राइट साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें, और इसमें हम काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। सेकंड कंपार्टमेंट को दिखाता हूँ, तो सेकंड कंपार्टमेंट में हमें 1, 2, 3, 4, 5
5 स्पेस मिल जाते हैं जहां हम अपने पेन, पेंसिल, रबड़ कुछ भी रख सकते हैं, स्केल भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइज हमें इस जगह। और लेफ्ट साइड में मिलते हैं 2 नेट पॉकेट, तो ये छोटा सा पॉकेट है और एक बड़ा पॉकेट है गाइज, और इसमें भी हम स्टडी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से रख सकते हैं गाइज। काफ़ी अमेजिंग ये पेंसिल पाउच है, बहुत ही प्यारा लग रहा है तो गाइज। और ये पेंसिल पाउच आपको अच्छा लगा तो कर देना इस वीडियो को लाइक गाइज। और रख लेते हैं, और लास्ट पेंसिल पाउच दिखाता हूँ, ये है गाइज मिनियंस के ऊपर बेस है पेंसिल पाउच, बिल्कुल सिंपल सी है और पेंसिल पाउच और कुछ खास नहीं है। और इस पेंसिल पाउच को मैंने 60 रुपये का परचेज किया है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ओपन करते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा है और स्पेस कितना है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें अंदर इस पेंसिल पाउच के अंदर। अभी तक सबसे ज़्यादा स्पेस मुझे लगा इन दोनों से ज़्यादा स्पेस है गाइज, मटर पेंसिल पाउच और कॉर्न पेंसिल पाउच से ज़्यादा स्पेस है गाइज इस वाले पेंसिल पाउच के अंदर। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी एलिगेंट, और ये मिनियंस के ऊपर थीम है और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये, और इसकी आंखें बहुत ही अमेजिंग लग रही है, और पेंसिल पाउच की क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है गाइज। तो सबसे अच्छा पेंसिल पाउच आपको कौन सा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर देना वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।